गाइज, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंडोरा को लेकर चर्चा में हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के थर्ड एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 करेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है। पर सवाल ये उठता है कि भुवन बाम तो एक ही है, फिर उनके 5 करेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग करेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। गाइस, क्या आपने भी ढिंडोरा का ये सीन देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका, ये वो इलाका है जो कि आतंकवाद और चरमपंथी ताकतों से घिरा हुआ है। मगर इस हिस्से में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। पाकिस्तान का खैबर इलाका बहुमूल्य गुलाबी पुखराज यानी कि पिंक टोपाज से भरा पड़ा है। यहां पर मिलने वाला पुखराज इतना ज्यादा कीमती है कि इसकी 10 ग्राम की कीमत करोड़ों रुपयों में है। गाइस, पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आईफोन 13 प्रो मैक्स को लॉन्च हुए कुछ दिन हुए और इसका इस्तेमाल लोग जनरली मोबाइल के तौर पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी इसे खरीद रहे हैं। और वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं बल्कि इलाज करने के लिए। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि इसके कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये अपने मैक्रो मोड में आई कैप्चर करके शार्प डिटेल्ड इमेज कैप्चर कर सकता है, जिसकी सहायता से डॉक्टर आसानी से इलाज कर सकते हैं। गाइस, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर अपनी नाराजगी दिखाई। और तो और, फैंस ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनके धर्म को लेके ट्रोल किया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। पर सहवाग ने ट्रोल कर रहे फैंस को जवाब देते हुए कहा कि मोहम्मद शमी को ऑनलाइन निशाना बनाया जाना स्तब्ध करने वाला है और हम उसके साथ हैं। वह एक चैंपियन है और जो भी भारत की कैप पहनता है उसके दिल में भारत किसी भी ऑनलाइन उपद्रवी से अधिक होता है। हम आपके साथ हैं शमी, अगले मैच में जलवा दिखा दो। ये था सहवाग का जवाब। गाइस, दुबई में T20 वर्ल्ड कप को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए वहां पर एक विशाल बैट को तैयार किया गया है, जो कि 10 मंजिला इमारत के बराबर है और सबसे बड़े बल्ले के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की दौड़ में शुमार है। ये बैट 32 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 950 किलोग्राम है। गाइस, ये बल्ला इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको बिल्डिंग के पैरेलल रखा गया है। गाइस, आपको इतने बड़े विशाल काय बल्ले को देखकर कैसा लगा और क्या आप पर भी T20 वर्ल्ड कप की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।